हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे DSCET चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हैं आप सभी को पढ़ाने वाले हैं वैद्युत विभव। पढ़ाने से पहले दोस्तों, बताने से पहले हम आपको बता रहे हैं वैद्युत आवेश क्या होता है। दोस्तों, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। दोस्तों, यदि कोई आवेश होता है, कोई भी आवेश हो, तो उसके चारों तरफ उसका क्या होता है? क्षेत्र होता है, एरिया होता है। अब जैसे कि दोस्तों कहते हैं लोग ने, आवाज हमरो गंगा माई देखा तब बताई तो है। इसका मतलब क्या है? वो कहने का मतलब उसका ये है कि वो चाह रहा है कि हमारे गांव में आओ तब बताते हैं तुमको, मतलब हमारे एरिया में आवा तब बताए। तो अगला क्या कहता है, हम जानते हैं कुत्ते तो भी अपने गांव में शेर होते हैं। सही बात है दोस्तों। तो इसी प्रकार वैद्युत आवेश का क्या होता है? चारों तरफ इसका क्षेत्र होता है, एरिया होता है। ओके दोस्तों, अब इस एरिया में कोई अन्य परीक्षण आवेश लाएंगे, तो दोस्तों ये प्लस क्यू आवेश है और हमें कोई प्लस क्यू आवेश परीक्षण लाना है। तो प्लस क्यू आवेश जब ला रहे हैं तो कुछ लाने में हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ कार्य करना पड़ेगा। इस एरिए में किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने में क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। दोस्तों, इसका डिफिनेशन क्या होगा? अब देखिए, फार्मूला पहले आपको बता दें। वैद्युत विभव का फार्मूला होता है V बराबर W अपान में क्यू नॉट। किसी यहां पर अनंत है, यहां पर कोई प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों तरफ मैंने बताया था भी एरिया होगा, क्षेत्र होगा। अनंत से किसी परीक्षण आवेश को हमें इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, वही क्या हो जाएगा? वैद्युत विभव। अब दोस्तों, एकांक परीक्षण आवेश को, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, निश्चिंत हैं आप, कहीं भी लेके जाएगा। ये नहीं जरूरी कि हम यहाँ आवेश को लें, यहां भी ला सकते हैं। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। हाँ दोस्तों, अभी हमने बताया आपको एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला दोस्तों, V बराबर W अपान में क्यू ना, ओके दोस्तों, इसका जो है आप इसके साथ ले लीजिए, तब हम आपको आगे बताएं वैद्युत विभव का मात्रक तथा विमा। ओके दोस्तों, ले लिया आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हेडिंग है दोस्तों हमारा वैद्युत विभव का मात्रक तथा विमा।
वैद्युत विभव का मात्रक तथा विमा। वी बराबर दोस्तों क्या होता है डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। तो वी क्या है वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव का मात्रक बराबर डब्ल्यू का मात्रक मतलब कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक दोस्तों क्या होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है जूल। क्यू नॉट आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या हो गया जूल प्रति कूलाम। या दोस्तों हम कह सकते हैं वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट। क्या होता है वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट। हाँ दोस्तों अब हम आपको बता दें बीमा। दोस्तों बीमा कैसे निकालेंगे, पिछले वीडियो में हमने जो है आपको कार्य का बीमा निकाल दिया था। पिछले वीडियो में हमने कार्य का बीमा निकलवाया था दोस्तों। कार्य का बीमा पता होगा आपको, आवेश का भी बीमा निकलवाया था, आवेश का भी बीमा आपको पता होगा। तो वैद्युत विभव का बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। तो वी का बीमा, वी का बीमा का मतलब क्या हो गया वैद्युत विभव का बीमा। बराबर डब्ल्यू का बीमा, डब्ल्यू क्या है कार्य। कार्य का बीमा दोस्तों क्या होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। दोस्तों एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। क्यू नॉट क्या है दोस्तों आवेश है, आवेश की बीमा क्या होता है एटीओ। दोस्तों आवेश का बीमा क्या होता है एटी होता है। तो वी नॉट वी का बीमा, वी का मतलब वैद्युत विभव का बीमा क्या आएगा दोस्तों एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। ये दोस्तों ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा इसकी घात माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसकी घात क्या है वन वन है, प्लस में है। ऊपर जाने क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, ए पावर माइनस वन हो जाएगा और टी की पावर माइनस वन हो जाएगा। दोस्तों अब इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू माइनस वन मिलके माइनस थ्री ए की पावर माइनस वन। ओके दोस्तों तो वैद्युत विभव का बीमा क्या होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री ए की पावर माइनस वन। हाँ दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत।